subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस इंक्रेडिबल स्विंग के चैनल पे। और आज मैं अपने बाइक पे लगाने जा रहा हूँ फॉग लाइट प्लस एक हैजर्ड लाइट। सो अभी जस्ट मैं घर से निकला हूँ और ये मैं अभी जस्ट पार कर रहा हूँ एक किश्तपुर को पार कर रहा हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैं किश्तपुर को पार करते हुए लेकटाउन की ओर रास्ता जा रहा हूं और मुझे ये श्याम बाज़ार के पास में जाना है। तो अगर आप कलकत्ता पे रहते हैं तो बेस्ट और चीप में आपको कहां से अच्छा सामान मिलेगा कि आपको चांदनी नहा जाना पड़े, तो आप ये न्यू टाउन पे रहते हैं तो आप ये श्याम बाज़ार के पास से जाके भी ले सकते हैं एसेसरीज अपने बाइक का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैं लेक टाउन को पार करते हुए जा रहा हूँ अभी विधानगर के पास। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. और ये जस्ट अभी हम उल्टा डांगा, जिसको हम विधाननगर बोलते हैं, वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं कि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। सो ये जस्ट मैं घुस गया हूँ विधाननगर रोड यानी कि स्टेशन की ओर। और आप जो सामने देख रहे हैं ओवरब्रिज, ये एक स्टेशन है जिसको हम विधाननगर रोड के नाम से जानते हैं। आप इसको उल्टा डांगा भी बोल सकते हैं इस एरिया को। और यहाँ से होते हुए हम खन्ना की ओर जाएंगे और यहाँ पर लाइन से सारा मार्केट लगा हुआ रहता है और साइड में सिग्नल के पास आपको यहाँ पर सुंदर सा भगवान शिव के बहुत सारे मूर्ति ऐसा आपको देखने को मिलेंगे रोड पे। और थोड़ा दूर आगे बढ़ते बाद एक ओवरब्रिज आता है। इस ओवरब्रिज को पार करते ही ये हमारा एक खन्ना मार्केट आ जाता है जो कि काफ़ी कोलकाता में फेमस है खन्ना मार्केट के नाम से। और इसको यहाँ से आगे पार करते हुए कुछ दो तीन सिग्नल को पार करते हुए राइट हैंड साइड की ओर टर्न कर जाएंगे तो कम से कम आपको तीन सिग्नल पार करने के बाद जो कि श्याम बाज़ार की ओर रास्ता जाता है, यहाँ से हम टर्न करेंगे राइट हैंड साइड। और टर्न करने के बाद कुछ ही दूर पर आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बाइक्स के कार्स के शॉप मिल जाएंगे। तो जहाँ पर मैं जा रहा हूँ बंद है बीपीएससी से। किराया भाई को फ़ोन करें क्या? तो जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर नाम है बीपी एसेसरीज जो कि चिराग भाई का हमारा, वो आज बंद था तो हम सामने किसी और के दुकान पे गए जहाँ पर मैंने ये फॉग लाइट परचेस किया है जिसका कॉस्ट मुझे अराउंड पड़ा है लगभग 1200 रुपये। और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है सो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जंग लगेगा और इसकी लाइटिंग काफ़ी बेहतरीन है, दो कलर पे लाइट है। बस काफ़ी है, इतना समझ में 80 रुपया जो बोला ये, इसको ऐसा लॉक हो जाएगा इसमें। ये प्लास्टिक का रहता है लेकिन लगता है कि रबड़ का है। एक ये वाला हमको लगा कि रबड़ का होता है, इसमें लॉक होगा। मॉक्सी एक चिप वाला कि यही चिप वाला है? नहीं चिप वाला नहीं है, नॉर्मल है। चिप वाला अलग होता है। चिप वाला ना दाम वो बोला ना 1300 रुपये ना, इसका दाम 200 रुपये 300 रुपये। और एक जो दूसरा वाला दिखा रहा था वो 150 रुपये वाला, 250, वो क्या था? वो बोल रहा है ये वाटरप्रूफ है, वो वाटरप्रूफ नहीं है। और इसको लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि मुझे बाहर से ही लगाना पड़ा है और इसके लिए मुझे गाड़ी का जो है वो हेडलाइट उसको खोलना पड़ेगा पूरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना तार कटिंग किए कोई भी तार कटने वाला
अगर आप तार पहले ही कट कर देते हैं तो आपका वारंटी जो है वो आपका लैप्स हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि बिना तार काटे हुए इसको उसके साथ जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि प्लग के अंदर में ही उसको घुसा के ऊपर से वो फिट कर देते हैं, तो उसमें तार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारा जो हेजर्ड लाइट है वो इंस्टॉल हो चुका है। देख सकते हैं कि वो भी हेडलाइट के वहीं पर इंस्टॉल हो जाएगा पीछे साइड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैजर्ड लाइट ठीक से काम कर रहा है, ठीक से वर्क कर रहा है। ये जो आवाज आ रहा है ना, ये इसमें नहीं आता, चीप वाला है। इसका 1300 रुपये दाम है। 1300 नहीं 1100। जितना महंगा लीजिएगा उतना। किसका खाली आवाज़ का लेके क्या करना है? सिर्फ आवाज़ के लेके नहीं, उसका पूरा सेट आता है। ये जो सिम का ये स्विच दिया ना, उसके पास स्विच रहता है लगा हुआ। स्विच लगा रहा है, इसमें एक बटन होता है नीचे। ये क्या है, इसमें दबा दबा के आपको चेंज करना हर वक्त। अगर ऑफ करें हर वक्त वो एक ही नहीं आएगा जो आपको पसंद। उसमें जो स्विच से आप जो मोड सेट करके रखेंगे, जब भी ऑन करेंगे वही फ्लैशर चलेगा, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, ज़्यादा देर चलेगा तो चेंज होता जाएगा। कितना कितना है देखो तो? बहुत सारा है, 17 इसका भी मतलब कि लाइट अच्छा है, अच्छा पावर है। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा यही जलाता हूँ सबसे ज़्यादा। ये अच्छा लगता है मेरे को। ये इंडिकेटर तो ये देखिए, ये भी जल रहा है, जल रहा था, कभी कभी जल रही है। और आप देख सकते हैं फॉग लाइट भी हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। काफ़ी तरह से वर्क बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छा लाइट है। और इसका टेस्टिंग हम किसी खाली जगह पे, किसी अंधेरे जगह पे जाके देखेंगे, जहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि इसकी लाइट में कितनी दम है। आप जलाओ वाइट, गाड़ी स्टार्ट करो, हेडलाइट। चेंज करते रहो। तो यहाँ से हम लाइट टेस्ट करने के लिए निकल गए हैं कोलकाता स्टेशन की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है काफ़ी अंधेरा पे है और ये लाइट टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो यहाँ पर खड़े करके हम अपने बाइक का, ये जो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल गाड़ी जब अभी स्टार्ट करेंगे वो नॉर्मल लाइट होगा, गाड़ी का हेडलाइट के लाइट होगा। अभी हेडलाइट टेस्टिंग चल रहा है दोस्तों, नहीं रुको हमको रिकॉर्डिंग। हाँ, सो अभी खाली नॉर्मल हेडलाइट चला है, अब जला रहे हैं येलो वाला, येलो का लाइट देखिए, वाइट, शाबाश। अब इसके साथ में अगर हम हेड जलाए तो हेड पास, पास पास मारो, जला हुआ है, पास जला हुआ, पास बंद करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि कोई बाइक में आगे बैठा हुआ था और हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया लाइट की वजह से, वो अच्छे खासे अंधेरे में थे और हमने पूरा उजाला कर दिया, तो शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो देख सकते हैं क्या क्लियर लाइट है।
मतलब कि जो डिपर है वो सीधा स्ट्रेट मारेगा, तो पास देने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ओवरऑल इस लाइट की बात करूँ तो लाइट में काफ़ी दम है, काफ़ी पावरफुल लाइट है, और अगर आप ज़्यादातर हाईवे पे जाते हैं तो आपको ये लाइट जरूर से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट में है वो बात नहीं है। और इसको लगाने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं अपने घर की ओर, जो कि हम कोलकाता स्टेशन से होते हुए फिर से खन्ना होते हुए उल्टा डांगा होते हुए अपने घर की ओर निकलेंगे। तो जैसा कि भाई आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने उस लाइट को फॉग लाइट को ऑन नहीं किया, नॉर्मल लाइट पर जा रहा है, क्योंकि रोड ऐसे ही काफ़ी स्ट्रिक्ट लाइट से लाइट है, तो हमें वो फॉग लाइट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब लाइट स्टार्ट हम करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ हमने वो लाइट स्टार्ट किया है। तो ओवरऑल मैं अपने घर के पास में पहुंच चुका हूं, जो कि आपका डेगुरिया के आसपास इलाका पड़ता है ये, और आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, काफ़ी अच्छे से इसकी लाइट दूर तक जाती है। येलो वाला जो है वो सामने के लिए है, और जो वाइट वाला है वो उसकी रेंज जो है वो काफ़ी दूर है। अगर आप येलो जलाएंगे तो आपको पास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले की आँख में पड़ेगा। पास लाइट के लिए आप पासिंग के लिए सही है, हेड आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए पास, और बाकी दूर के लिए आप उसको वाइट में चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा गाड़ी चलाने पर। तो ओवरऑल अगर आपको ये फॉग लाइट लगाना है तो आप देखिए कि एलईडी वाला ना लगाए, आप एक प्रोजेक्टर वाला इसको लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर कोलकाता पे तो आपको मैंने एड्रेस बता दिया, बाकी और कहीं पर भी आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह का आप लगा सकते हैं। बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट में देखने पर है, और सामने से आप बाइक देख सकते हैं, छोटा सा स्कूटर निकला हुआ है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, देखने पर काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से मैं टीवीएस राइडर के ऊपर में पूरा का पूरा जो सीरीज़ है मैं लेके आता रहूँगा, और कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।